सबसे पहले हमें 1 केजी मटन कीमे को धोकर सुखाना है। मटन कीमे को हमें मार्किंग या छन्नी में अच्छी तरीके से पानी सुखा लेना है। अब हमारा मटन कीमा अच्छी तरीके से सूख चुका है, इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें 1/2 किलो कटी हुई बारीक प्याज डालनी है। ये हमारा पूरा 1/2 किलो प्याज डल चुका है। अब हमें 10 ग्राम अदरक का पेस्ट डालना है। हमारी अदरक अब पड़ चुकी है 10 ग्राम, अच्छे तरीके से पोंछ लें इसे। अब 10 ग्राम हमारा लहसुन का पेस्ट पड़ेगा, 20 ग्राम अब हमें कच्चा पपीता का पेस्ट डालना है। अब हम 100 ग्राम हरी कटी हुई मिर्चा डालेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। हाथों की गतिलियों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, जिससे सारे फ्लेवर इसमें हमारे इन्फ्यूज हो जाएं। कबाब की यही खासियत होती है, जब तक हम अगर इसे मैश नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, इसके फ्लेवर को निखर के नहीं आते हैं। ये हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, हरे मिर्चे, बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से हमने मिला लिया, इसके फ्लेवर इसमें मिल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले हमें 10 ग्राम पीला मिर्चा डालना है। इसके बाद हमें अपना नमक डालना है स्वाद अनुसार, और जिस तरीके का आप खाते हो, तेज खाते हो, हल्का खाते हो, वो आप अपने हिसाब से रखें। हम अपने जिस तरीके से खाते हैं, हम इसको उस तरीके से अपने स्वाद अनुसार नमक मिला रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है मिस्टर रॉन्ग का स्पेशल कबाब मसाला। ये जो हमारा मिस्टर रॉन्ग कबाब मसाला है, ये हमारी मसालों की पोटली है। इसमें के अंदर यूनिक एंड हमारे मिक्स ब्लेंड हमारे स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर कबाब के सारे फ्लेवर इन्फ्यूज हैं। ये हमारा एक बॉक्स 1 केजी मटन के लिए है पूरा। ये मसाले का जो हमारा सैशे है बॉक्स के अंदर, ये 1 केजी मटन मीट के लिए है। और जो मैं इसका आपको वेट बताना चाहूंगा, 13 ग्राम का एक पाउच है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे इसके मसालों के सारे फ्लेवर हमारे मील के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफ्यूज हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे मसालों का कलर कि कितना ब्राइट कलर खिल के आ रहा है। एंड आप जब इसको बनाएंगे भी, तो उसके बाद आपको एक अरोमा में इसका एक अलग सा फील होगा, जो आपको बिल्कुल एक मुगलई टाइम पे ले जाएगा। अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल पाम की मदद से अपने मिला लें, जिससे सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए। हमारे स्पेशल कबाब मसाला भी अच्छी तरीके से मिल जाए मीट में। ये जो हम तैयार कर रहे हैं, ये पूरा हमारा 1 केजी मीट है, मटन मीट, जिसमें से हम लोग ने 800 ग्राम मीट लिया है और 200 ग्राम हम लोग ने फैट लिया है, क्योंकि मेनली कीमा के लिए हम लोग को इतना प्रपोर्शन रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी ग्लूसिटी है कि जिससे वो अच्छी तरीके से बाइंड होता है।
नीचे हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसको मैरिनेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में एटलीस्ट एक आवर के लिए फ्रीज कर देंगे, जिससे सारे फ्लेवर इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। जी हमारा मैरिनेशन तैयार है। आइए करते हैं मसालों की बात। ये जानना जरूरी है मसालों की बातें करने से पहले कि मसाले का क्या इम्पोर्टेंस है। हम ये बताना चाहेंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट है मिस्टर रॉन्ग का स्पेशल गलौटी कबाब मसाला, ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च तो काफ़ी दिन पहले हो चुका था, बट आपकी क्वायरी इतनी आ रही थी कि आपने कोई पर्टिकुलर वीडियो हमारे लिए नहीं बनाई हुई थी, तो बट अब हमने आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, जिससे आप हमारे रेसिपी को डायरेक्ट हमारे बारकोड से स्कैन करके आप यूज देख सकते हैं, जो आपको हमारे पैम्पलेट पे, इंस्टा सोशल मीडिया साइट पे, कहीं पे भी आपको अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। चलिए आज हम दिखाते हैं फिर आपको अपने गलौटी कबाब की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमने कबाब छोड़ा था मैरिनेट के लिए, उसे एक आध हो चुका है। अब हम उसे निकाल कर उसमें 2-3 बूंद केवड़ा डालेंगे और उसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे, जिससे हमारा जो केवड़ा है वो अच्छी तरीके से मसालों में जल हो जाए और हमारा कीमा थोड़ा सा और जूसी फ्लेवर देने लग जाए। एक फ्राइंग पैन लें और उसे मीडियम हीट पर गर्म होने रख दें। अब हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो गया है, तो उसमें जो हमने पहले से मैरिनेट कर लिया है मटन मीट, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमारा पैन छोटा है, इसलिए हम लोग उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके हम लोग एक बार में भून लेंगे। और भूनते टाइम हम लोग थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे 100 ग्राम, जिससे हमारा गलौटी कबाब अच्छी तरीके से भुन जाए और जले भी नहीं। ये हमने इसमें 100 ग्राम घी डाल दिया है। आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं कि जितना आप कबाब एक बार में भूंज रहे हैं उतना हिसाब से आप घी रखते हैं, जिससे आपके कबाब जले भी नहीं और आपको कबाब का एक रिच फ्लेवर भी आपको उसमें मिलेगा। और इसको ऐसी धीरे मीडियम हीट पे हम लोग को धीरे धीरे इसको फ्राई करना है। इसका जो अरोमा है वो धीरे मीडियम हीटी पे खिल गया था है। और जो हम ये गलौटी कबाब की रेसिपी बना रहे हैं, ये आपकी 5-स्टार रेस्टोरेंट स्टाइल की है कि आपको इसमें सारे फ्लेवर का इन्फ्यूजन आपको बहुत अच्छी ही तरीके से मिलेगा। हम लोग को कबाब अपने गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनने हैं, जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। इसको मीडियम हीट पर आप भूनते रहें। जैसा आप अभी देखेंगे धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है। ये है हमारा मुगलई गलौटी कबाब नवाबों के स्टाइल का। इसी रेसिपी के साथ हम आज की वीडियो ये एंड करते हैं। फिर कभी मुलाकात होगी आपकी फरमाइशों के साथ। नई फरमाइश बताने के लिए कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है। आप हमारे कमेंट करके अपनी नई नई रेसिपी जो भी जानना चाहें हम वो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आप हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आप हम या तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके वहाँ पे हमें DM करके अपना ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।